हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ बिगर नंबर्स आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं वो देखेंगे। देखिए, बिगर नंबर से पहले आपको अपने बच्चों को जो छोटे मल्टीप्लिकेशन है ना, लाइक 5 8 से कितना होता है, 9 2 से कितना होता है, लाइक दिस, ऐसे जो सिंपल स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना, एकदम सिंपल वाले, जिनमें कि आप डायरेक्टली बच्चों से टेबल से पूछते हैं, सबसे पहले तो वो आने चाहिए। इट मीन्स कि बच्चों को टेबल आने चाहिए। सेकेंड थिंग, बिगर मल्टीप्लीकेशन के लिए बच्चों को जो एडिशन है, एडिशन विद कैरी, ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। टेबल्स बच्चों को कैसे सिखाएं, एडिशन बच्चों को कैसे सिखाएं, कैरी वाले एडिशन कैसे सिखाएं, स्मॉल मल्टीप्लीकेशन स्टेप वाइज बच्चों को कैसे सिखाएं, इन सभी पे मेरे इंडिविजुअल वीडियोज हैं। इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाइए और आप देखिए एक एक जो है कि एडिशन कैसे सिखा सकते हैं, और उसके बाद कैरी वाला जो एडिशन है वो कैसे सिखा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन की शुरुआत आप बच्चों को सिखाएंगे तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। आज यहाँ हम सिर्फ जो बड़े नंबर का एडिशन होता है ना, एक बार जब बच्चे फर्स्ट क्लास में अच्छे से ये स्मॉल वाले जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का, बट फिर दिक्कत आती है कि बड़े नंबर बच्चों को कैसे सिखाएं। तो जब भी आप बड़े नंबर बच्चों को सिखाने बैठे, सबसे पहले शुरुआत करें मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है? क्योंकि यहां जो हम कह रहे हैं ना, 1 into 1, मतलब वंस वंस की प्लेस पे थे, आंसर चाहे इनका वंस टेंस में आ रहा था, बट हमने जो क्वेश्चनिंग हम कर रहे थे वो वंस की प्लेस से ही कर रहे थे ना। अब यहां आपको 2 डिजिट नंबर में मल्टीप्लीकेशन सिखाने हैं। शुरुआत आपको करनी है, हमेशा आप बच्चों को 10 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना सिखाएं। एक बार आप उनको ये वाली चीजें धीरे धीरे सिखाएंगे स्टेप वाइज, जैसे हम यहाँ स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं उसी पैटर्न में, उसी फॉर्मेट में आप बच्चों को सिखाएं, ठीक है? तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 10, सिंपली बच्चों को आप बोल दीजिए कि जब भी कोई भी नंबर, ये हमारा एक नंबर है और ये भी नंबर है 10 भी, बट कोई भी नंबर जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, ओके, कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर और कितना भी छोटा नंबर, चाहे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डाल दो या 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 डाल दो, उस नंबर के आगे 10 हम सिर्फ लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 48 मल्टीप्लाइड बाय 10, 48 मल्टीप्लाइड बाय 10, वी गेट 480। बोल दिया आपने, बता दिया, ठीक है, बच्चे कर लेंगे। बट एक बार जब आप ये बता देना, उसके बाद आप बच्चों को बोलिए कि आप ये सॉल्व करके देखिए, क्या मैं सही कह रही हूँ, आप एक बार जरा सॉल्व कर लीजिए इसको, 48 मल्टीप्लाइड बाय 10। जब बच्चे ऐसे करेंगे ना इसको एक दो बार सॉल्व, तो वो कुछ ना कुछ नई चीजें सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखिए, 0 मल्टीप्लाइड बाय 8 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 0, तो उन्होंने क्या सीखा कि जब खाली जीरो से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो जीरो ही मिलता है। यहां 48 जब जीरो से मल्टीप्लाइड हुआ तो आंसर आया जीरो। तो एक चीज उन्होंने और सीखी कि अगर जीरो से कितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, हमें आंसर जीरो ही मिलता है, अगर जीरो से वो हो रहा है, ठीक है? तो फिर उन्होंने कर दिया 8 1 8 एंड 4 1 4, 0 8 एंड 4, ठीक है? ये वाला जो होता है ना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज आप बच्चों को बहुत ध्यान से सिखाइए कि जैसे यहाँ पे ये नंबर पहले इससे हुआ, फिर इससे हुआ, और सेकंड नंबर भी होगा, बट सेकंड नंबर पे पहुंचने से पहले हम उसको एक गिफ्ट के फॉर्म में, कि हम सेकंड नंबर पे पहुंच रहे हैं ना, हम उसके लिए एक घर खाली छोड़ देते हैं, इसलिए हमेशा यहाँ क्रॉस करेंगे, ठीक है? एक घर हमने यहाँ पे खाली छोड़ दिया है, इस टाइप से आप बच्चे को सिखाएं। नेक्स्ट देखिए, एक बार जब बच्चे ऐसे निकाल लें, आपने जो समझाया वो बात उन्हें समझ में आ गई कि कोई भी नंबर जब 10 से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ नंबर के आगे जीरो लग जाएगा, ठीक है? इसमें सिली मिस्टेक्स बच्चे ऐसे ना कर दे गए प्लस डाल के जीरो, नो, वो डल जाएगा 590, ठीक है? दूसरी बात उन्होंने सीखी कि अगर यहां 1 0 10 ना होके अगर खाली जीरो होता तो आंसर जीरो ही आता, कुछ नहीं आता, और अगर वन होता तो
देखिए जब 10 से की तो उन्होंने दोनों चीजें सीखी कि 0 से जब करेंगे तो 0 आएगा और 1 से जब किया 48 को तो आंसर आया 48। तो 10 से करने में उन्होंने तीन चीजें सीख ली कि 0 से इंटू होगा तो 0 आएगा, 1 से होगा तो जो नंबर है वो एज इट इज आएगा, और जब 10 से होगा तो नंबर के आगे 0 लग जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बच्चों को सिखाएं। एक बार आप उनको जब ये सिखा देंगे उसके बाद वो चाहे फटाफट उसको निकाल लें 71 0 इस टाइप से, बट सिखाना जरूरी है। आप बच्चों को कोई भी शॉर्टकट्स देना तो उसकी जो बेसिक है उसके पीछे लॉजिक है ना वो जरूर सिखाएं। चाहे आपको 2 दिन लगे 3 दिन लगे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो चीज बच्चों को आनी भी चाहिए ना। आपने एक बार सिखा दिया कि 48 × 10, पर वो कहाँ से आया कैसे आया वो सारी चीजें जो है ना क्यूरियोसिटी बच्चों में रहती है। तो आपने सिखाया उसके बाद उसे सॉल्व दें और उसने उस सॉल्व से क्या सीखा वो आप जरूर उनसे पूछें। सिमिलरली पहले आपने आप उनको सॉल्व करने के लिए दिया सिर्फ 10। अब 10th प्लेस की जो दूसरी वैल्यूज हैं लाइक 80, 50, 90, 40, ठीक है ना, यहां सिर्फ 1 थी। अब कुछ और जो 10th की वैल्यूज होती हैं उनके साथ मल्टीप्लीकेशन दीजिए, सिंपल। अब बच्चे कैसे करेंगे, सिंपली आप उन्हें वैसे ही एक बार सॉल्व करने के लिए दीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इस तरीके से उनको आंसर मिलेगा 6 0 0 8 6 या 6 8 48। ओके, सो द आंसर इज 480। अब आप बच्चों से पूछिए कि आपने देखा कि जीरो जब एक बार यहां आया वही जीरो यहां आया, और एक्चुअल में जो नंबर है वो कहां से मिला, वो नंबर मिला हमें 8 × 6 से, 8 6 48। ठीक है ना, तो दूसरी चीज उन्होंने सीखी कि पहले तो जो 10 के साथ था उसमें तो सिर्फ 1 0 ही था, क्योंकि 1 था इसलिए नंबर सेम आया और 0 लग गया। अब इस केस में स्टेप 2 में क्या हुआ कि अब 1 नहीं है यहां पे, यहां पे क्या है 7 है, 10 की प्लेस पे क्या है 7 है, तो 0 तो एज इट इज रह जाएगा बट जो नंबर है वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 28। इस टाइप से एक बार बच्चे जब ये सीख जाएंगे ना तो वो देखना उन्हें इस तरीके से निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो सिंपली 0 को देखते ही सबसे पहले यहाँ पे 0 लिख देंगे, देन 7 4 28, ये हमने रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए 9 × 30, तो 0 को देखते ही उन्होंने 0 यहाँ पे पुट कर दिया, और 9 3 27, इस टाइप से वो सॉल्व कर देंगे फटाफट। ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस टाइप के जो हैं इस टाइप आप बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को दे सकते हैं। थर्ड स्टेप में आप क्या कीजिए, यहां हमने देखा था टेंस थे, यहां टेंस की प्लेस वैल्यू हमने चेंज करके 80 90 50 40 कुछ भी रख दी थी एक नंबर के साथ। अगली बार क्या कीजिए, दोनों जो मल्टीप्लायर्स हैं दोनों जो नंबर मल्टीप्लाई होंगे दोनों को ही आप टेंस टेंस रखिए, जैसे 12 × 30। ठीक है, ऐसे कीजिए। अब इसमें भी बच्चों को पहले आप सॉल्व करने दीजिए और निकालने दीजिए आंसर। सॉल्व करने पे बच्चे जान जाएंगे कि 1 0 तो एज इट इज उनको उतारना है और 12 × 3 कर देना है सिर्फ, और जो आंसर आएगा वो लिख देना है यहाँ पे। बट इस टाइप से भी आप ये जो है ना एक बार ये जो बड़े नंबर्स हैं इनको आप एक बार सॉल्व करने दीजिए। जब बच्चे सॉल्व कर लेंगे तो उनमें बहुत सारे इस टाइप के जब सॉल्व करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो फट से आंसर निकाल देंगे। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी आप उनको दे सकते हैं जिनमें कि दोनों जो मल्टीप्लायर्स हों वो टेंस टेंस में हों। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 70 × 23 ही हो, 75 × 23 इस टाइप से भी आप दे सकते हैं। एक बार जब जीरो वाले बच्चे सीख लें, ठीक है, उसके बाद आप इस टाइप से दूसरे वाले भी उन्हें नंबर दे दीजिए। ये वाली चीज सिखाकर कुछ दिन इसकी वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को टेस्ट करके देन वी विल मूव टू 100 प्लेस वैल्यू। ठीक है, 100 की प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाइंग बाय 100। अब इसमें भी वही फार्मूला हमें यूज करना है। सिमिलरली पहले कोई भी एक नंबर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर 800। अब इसमें बच्चों को आपको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने टेंस वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिया है कि जब 10 के साथ हुआ तो 1 0 आया, तो 100 के साथ होगा तो 2 0 आएंगे। सिंपल, कोई भी नंबर ले लो चाहे बड़ा चाहे छोटा, जैसे ही 17 नंबर है एज इट इज लिख दिए और 2 0s उसके आगे लगा दिए, 73 लिख दिया और 2 0s उसके आगे लगा दिए। फिर भी बच्चे अगर आपसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो आप उन्हें इस टाइप से 100
मल्टीप्लाइड बाय 55 इस टाइप से कॉलम वाइज उनको सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। अच्छा, जब ये वाली चीजें बच्चों को सिखाएं ना, तो ये इस टाइप के जो वन मार्क क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ये भी बच्चों को आना चाहिए कि कितने को 61 से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6100 हमें मिल जाए, 6100 कितने नंबर को। तो 61 तो नंबर है, यहां भी 61 है, बट उसके आगे दो जीरोज हैं, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि 100 को जब 61 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6100 आंसर आता है। सिमिलरली 44 को कितने से मल्टीप्लाई किया कि 4400 4400 हमें मिला, तो नंबर हो जाएगा हमारा 100। इस टाइप से थोड़ा सा बच्चों को ना थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आप बच्चों से पूछिए, बट पहले उन्हें सिखाइए उसके बाद पूछिए। एकदम से पूछेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टेप वाइज आप चलिए। एक बार जब ये वाली चीजें सीख लें तो वही करना है जो हमने टेंस में किया था कि कोई भी डिफरेंट नंबर्स लेने हैं, अलग नंबर लेने हैं, ठीक है, और उनको बच्चों से आप सॉल्व करा सकते हैं। जब सॉल्व कराएंगे तो बच्चे खुद देखेंगे कि कौन सी प्लेसेस पे उन्हें जीरोस आसानी से मिल रहे हैं। जब उन्हें जीरोस आसानी से मिल जाएंगे तो उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जब दो जीरो होते हैं तो एंड में भी हमें जो आंसर मिलता है वो आगे कोई नंबर और लास्ट में दो जीरोस के साथ ही हमें आंसर मिलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और भी किन किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक देखते रहिए बॉन्ड ऑफ लर्निंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।